नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं देश विदेश और राज्य की अब तक की 50 प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। करतारपुर साहब में मत्था टेक कर लौटे सीएम चन्नी, केंद्र सरकार से की पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की मांग। पेट्रोल और डीजल को लेकर विष्णुदेव साय ने सरकार पर साधा निशाना, कहा हर मामले में सरकार का दो मुहापन सामने आया। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्रैश, 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर हैं सुरक्षित। पीएम मोदी बोले देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, हमारी सरकार में 5,00,000 करोड़ की हुई रिकवरी। सीएम केजरीवाल ने कहा 2025 तक साफ कर देंगे यमुना, बदल रहे सीवर सफाई की तकनीक। कंगना रनौत और सलमान खुर्शीद के खिलाफ धनबाद में केस दर्ज, हुई है कार्रवाई की मांग। ओडिशा में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेडी। प्रीति जिंटा बनी जुड़वा बच्चों की मां, फैंस को ट्विटर पर दी खुशखबरी। नवाब मलिक की टीम ने कोर्ट को दिया सबूत, मुस्लिम है समीर वांगखेड़े, 22 नवंबर को होगा इस पर फैसला। NIA ने की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 14 ठिकानों पर छापेमारी, माओवादी मामलों में लोगों से की पूछताछ। T20 पर छाए संकट के बादल, मैच स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में लगी है याचिका। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 114 करोड़ के पार हुआ, 24 घंटे में 73,00,000 से ज्यादा लोगों को लग गई है डोज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात भर चला अखिलेश का मेगा शो, 15 घंटे में गाजीपुर से लखनऊ पहुंचा उनका रथ। कॉमेडियन और एक्टर वीर दास की मध्य प्रदेश में नो एंट्री, देश भर में हो रहा विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्देश देने से कर दिया इनकार। पुष्यमित्र उपाध्याय ने लगाया प्रियंका गांधी पर कविता चोरी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, कहा अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच जरूरी नहीं। 8 साल में 1,59,000 से ज्यादा RTI दायर, जिनमें से 11,386 SDR महिलाओं की। PL पुनिया का मोदी पर निशाना, कहा सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई, पहले कोरोना और अब प्रदूषण के चलते दिल्ली में अनिश्चित काल तक स्कूल बंद। राजनाथ सिंह ने पूर्व लद्दाख के रेजांगला स्थित युद्ध स्मारक का किया उद्घाटन। करतारपुर कॉरिडोर के परमिट के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोले। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर फिर मिला शव, नक्सलियों पर वारदात को अंजाम देने का शक। कबीरधाम जिले में किसान ने पहली बार राजभाषा छत्तीसगढ़ी में दर्ज कराया केस। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत पहुंचे 20 मछुआरे, मोदी सरकार को किया धन्यवाद। राजधानी की डॉक्टर सिम्मी श्रीवास्तव और उनकी बेटी सिवली श्रीवास्तव को किरण बेदी के हाथों मिला RPF अवार्ड। सिडनी डायलॉग में PM मोदी ने चेताया, बोले कहीं गलत हाथों में न पहुंच जाए क्रिप्टो करेंसी। लखनऊ कोर्ट ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। रायपुर के मंदिर हसौद में 2 दोस्तों के बीच हुई चाकूबाजी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। तेजी से पैर पसार रहा जीका वायरस, UP में अब तक 140 मामले आए सामने। भारत में बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में मिले 11,919 नए मामले, 470 की हुई मौत। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार तिलमिलाए, BJP से बोले हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। कंगना रनौत को तुषार गांधी का जवाब, कहा दूसरा गाल बढ़ाने के लिए चाहिए ढेर सारा साहस। चिलम जीवी कहने पर घिरे अखिलेश यादव, संत समाज ने कहा ओछी राजनीति में हमें ना घसीटे, देश लौटाओ और कोई भी चारा नहीं है। PM मोदी का भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दो टूक संदेश। 50 रुपए का लालच देकर पिता ने बेटी से की अश्लील हरकत, माँ की गवाही पर 3 साल की हुई सजा। CM योगी और CM धामी ने बैठक में सुलझाए UP और उत्तराखंड के बीच 21 सालों से चले आ रहे कई विवाद। 2 साल में चीन ने अरुणाचल के 6 किलोमीटर अंदर 60 इमारतें बनाई, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार जल्द करेगी ऐलान। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हुआ बड़ा विवाद, तो स्थानीय सिख संघ ने गुरुद्वारे में दी नमाज पढ़ने की अनुमति। हैदरपुरा मुठभेड़ में कारोबारियों की मौत के मामले में प्रशासन ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। पाकिस्तान में आदतन बलात्कारियों को बनाया जाएगा नपुंसक, इस कानून को संसद ने दी मंजूरी। दिल्ली के पॉश इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, आरोपियों ने वारदात के लिए रखा था अपना कोड नेम। वसीम रिजवी की किताब पर मचा हंगामा, FIR दर्ज, पैगंबर पर की थी गलत टिप्पणी। PM मोदी कल वायुसेना को सौंपेंगे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अमेरिका ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला, भारत पर दिखाई नरमी। ताइवान ने एडवांस F-16 जहाज अपने लड़ाकू बेड़े में किए शामिल, अपग्रेड करने में मदद कर रहा है अमेरिका। मिस्र के रेगिस्तान में मिला 4,500 साल पुराना सूर्य मंदिर, बताई जा रही है इसे दशक की सबसे बड़ी खोज। इसराइल ने बनाई किलर रोबोट सेना, खतरनाक सीमा पर ले सकती है इंसानों की जगह। पॉइंटिंग ने ठुकराया था टीम इंडिया के हेड कोच बनने का पद, अब द्रविड़ के फैसले पर भी जता रहे हैं हैरानी। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।